नमस्कार, देवभूमि की खबरों के इस मेगा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों के रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में महिलाओं, अनुसूचित जाति के लोगों और 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य के युवाओं को रोजगार देकर पलायन रोकने का वादा किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य की स्थापना का कभी समर्थन नहीं किया। राज्य की रचना का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अब प्रदेश को संभालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों को फेल सरकार का उपनाम दिया जाता है, जबकि बीजेपी की सरकारों को डबल इंजन की सरकार का उपनाम दिया जाता है। अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी निशाना साधा और कहा कि आज हरक दो बड़े बड़े भाषण देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब इस वीरभूमि के युवा अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे तो गोलियां किसने चलवाई थी। शाह ने हरीश रावत के सीट बदलने पर भी तंज कसा और कहा हरीश रावत ने इधर उधर करके आखिरकार अपनी सीट सुनिश्चित कर ली। उनको सीट के लिए काफी इधर उधर करना पड़ा। उन्हें इतना ही कहूंगा कि आपने बहुत कर लिया उत्तराखंड के लिए, अब हमारे युवा सीएम की बारी है। वही लालकुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपना नामांकन पत्र कर दिया है। वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लालकुआ तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले हरदा अपने समर्थकों की नारेबाजी के बीच इस तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि लालकुआ क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के बिना कांग्रेस की सत्ता वापसी नहीं होगी, इसलिए वो लालकुआ की जनता से उनके हिस्से का आशीर्वाद मांगने आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सन्नत है और सबसे बड़ी बात यह है, ये चुनाव में जनता मानस बना चुकी है, बल्कि ये चुनाव जो जिसमें 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे, उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी स्थानीय जनमानस को आप क्या संदेश देंगे? क्या किस तरीके लगते हैं पैराशूट का तमगा लगा रखा है, लोग कह रहे हैं पैराशूट प्रत्याशी मैदान में, सरकार के निकम्बेपन से ऊब गए, जन विरोधी रवैये से नीचे का नाडी, और उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड के स्वाभिमान को तीन तीन मुख्यमंत्री बदल करके ठेस पहुंचाई, हमारे विवेक का मजाक उड़ाने का काम किया है, उससे जनता प्रतीक्षा कर रही है कब वोट देने का समय आए और हम भाजपा को वोट आउट करें, निकाल बाहर। पिछले 2 दशकों से यहाँ की जनता राज्य संग्राम की बात कर रही है, लेकिन अभी तक राज्य संग्राम नहीं मिल पाया। लोग आते हैं, बिंदु खत्ता राज्य संग्राम नहीं बन पाता। यदि आपकी सरकार आई तो इस बारे में आपका क्या स्टैंड रहेगा? पिछली बार मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था, जी, लेकिन वो सॉल्यूशन दमुआ डुगा में तो काम कर गया, मगर बिंदु खत्ता के लोग माने नहीं और इस कारण हमने फिर उस पर जोर नहीं दिया। आपके बिंदु खत्ता की आज्ञा राजस्व है, हम उसको पूरा करेंगे। वही लालकुआ से बीजेपी के कद्दावर नेता रहे पवन सिंह चौहान ने पार्टी से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय रूप से अपना नामांकन लालकुआ तहसील में पहुंचकर दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार बीजेपी में रहते हुए उन्होंने कार्य किया, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट न देकर बड़ा धोखा दिया। जिसके बाद उन्होंने नामांकन तारीख के अंतिम दिन लालकुआ तहसील में अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर निर्दलीय रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जनता ने सब देख लिया है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ये जो कर्म हैं ये सब सामने हैं, सारी इस विधानसभा की जनता, इस प्रदेश की जनता देख रही है। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पहले रामनगर जो वहाँ से लगा कि भाई यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है, तो लालकुआ पकड़ा, लालकुआ पकड़ने के लिए उन्होंने एक महिला का कितना अपमान किया है कांग्रेस के लोगों ने, और तो उसका भी उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महिला का जब रूप दूसरा हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं? मेरी टक्कर में कोई है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ दूसरे नंबर पर हरीश राव जी संघर्ष करेंगे तो आ सकते हैं। जी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता मेरी पहले जो परिवार बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, वो रोजगार होकर अपना परिवार ठीक से लालन पालन करे, वो गलत रास्ते पर ना जाए। और विधानसभा की समस्याओं से तो मैं हमेशा रूबरू रहता हूँ, मैं एक एक विधानसभा की समस्या को ठीक से जानता हूँ और फिर उनको ठीक से हल करना चाहता हूँ। बिंदु खत्ता राजस्व गांव के लिए बहुत वायदे इन राजनीतिक दलों ने किए हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता बिंदु खत्ता को मैं बैठते ही राजस्व गांव बना दूंगा, लेकिन राजस्व गांव की ओर मजबूती से लड़ूंगा जितनी मेरी ताकत होगी, उससे ज्यादा जाऊंगा।
विधानसभा चुनावों के बीच किच्छा विधानसभा इस वक्त चर्चा में। जांबारी समाज सेवी अजय तिवारी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे उनके चुनाव लड़ने से नाराज नजर आ रहे हैं। अरविंद पांडे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अजय तिवारी चुनाव न लड़े। इस बीच खबर यह भी है कि अरविंद पांडे अजय तिवारी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अजय तिवारी अरविंद पांडे को मिल नहीं सके। नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और चुनाव का समय है, सबको एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। इस निमित्त मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन किसी काम से कहीं वो अपने मित्र के साथ व्यक्तिगत किसी काम से भाग गए हुए हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब ऑल इज वेल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अजय तिवारी जी ने पार्टी का काम किया है, अच्छा काम किया है, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, और ये कहीं से कहीं तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे, और ये 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, और वो मिलजुल कर चाहे किच्छा विधानसभा हो चाहे रुद्रपुर विधानसभा में, सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मिलालकोवा बीजेपी के 56 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन पत्र भरा है। नामांकन करने के बाद उन्होंने कहा कि लालकोवा विधानसभा के कई क्षेत्रों की अपनी अपनी समस्या है, उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। मेरा मानना है कि गौला नदी सत्र प्रारंभ होने के साथ ही गौला में खनन कार्य शुरू करना मेरी पहली बड़ी प्राथमिकता होगी। कभी कभी देखा जाता है कि गौला खनन सत्र प्रारंभ हो जाता है लेकिन महीनों बाद तक खनन प्रारंभ नहीं होता, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। देखिए, जैसा मैं पहले से कहता आया हूँ कि ये मेरी पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी निरंतर चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती समाज में, भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए चुनाव में होती है, तो इसलिए पार्टी की तैयारी निरंतर है और मेरा भी संपर्क लोगों से निरंतर बना हुआ है। मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, यहीं मेरा घर है, यहीं मैं रहता हूँ, आसानी से लोगों को उपलब्ध हूँ, लोग मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मैं लोगों को शक्ल से, उनके चेहरे से, उनके नाम से जानता हूँ, तो कहीं कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हम समझ रहे हैं कि भारी मोहब्बत से हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने लालकुआं से डॉक्टर मोहन बिष्ट को प्रत्याशी के रूप में मैदान उतारा है। वहीं इसी को लेकर लालकुआं से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। लालकुआं से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आर्य ने इस दौरान क्या कुछ कहा है डॉक्टर मोहन बिष्ट ने, आपको सुनवाते हैं। गुल बच चुका है और भाजपा ने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, जिस पर पार्टी आलाकमान ने भरोसा जताया है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया में सबसे पहले तो बिष्ट जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो ये रहेगा, पार्टी आलाकमान ने आप पे विश्वास जताया, क्या मेन मुद्दे रहेंगे जनता के बीच आपके? मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उसने मुझ जैसे सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता को विधायक जैसे महत्वपूर्ण पद का टिकट देकर मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए काम करना चाहता हूं। मैं बेरोजगारों को रोजगार देना चाहता हूं, स्थानीय उद्योगों में जो 70% का नॉर्म्स तय हुआ है कि 70% रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा, उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। पूर्व सीएम हरीश रावत मैदान में, किस तरीके से देखते हैं, कांटे की टक्कर होगी क्या? कहीं कोई टक्कर नहीं है, टक्कर तब होती जब कोई स्थानीय व्यक्ति मेरे सामने होता, टक्कर तब होती जब यहाँ का रहने वाला व्यक्ति अगर हमारे सामने कांग्रेस ने उतारा होता। अब तो कहीं कोई चुनौती नहीं है, पैराशूट कैंडिडेट यहाँ पर नहीं चलेंगे, बाहरी व्यक्ति यहाँ पर नहीं चल पाएंगे। डबल इंजन की सरकार में एक मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा जो बिंदु खत्ता राजस्व गांव का था, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिंदु खत्ता राजस्व गांव बहुत पुराना मुद्दा है, कांग्रेस ने 40 साल तक शासन किया है देश में और प्रदेश में। अगर कांग्रेस चाहती तो कब के बिंदु खत्ता चमन बन जाता, कब के राजस्व गांव बन जाता। इनकी कभी नीति नहीं रही यहाँ के लिए कुछ करने की, केवल वोट बैंक के लिए उसको इस्तेमाल करते रहे। जब जब चुनाव आते रहे तब ये राजस्व गांव की बात करते हैं, बाकी भूल जाते हैं। हमारी सरकार ने विगत 2 टर्म हमको मिले हैं, उन 2 टर्म में इस दिशा में काफी प्रयास किया है, जो कमी रह गई उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल और रहेगा, तीसरे विकल्प के रूप पार्टी मैदान में है, किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी के साथ साथ और कई पार्टियां मैदान में हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार 7 के पार, किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट जी ने साफ शब्दों में बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में है और 60 के पार इस बार।
जनता पार्टी जा रही है। धर्मेंद्र आर्य, न्यूज वर्ल्ड इंडिया से, लालकुआ। तो मोहन सिंह बिस्ट को आप सुन रहे थे। इसके बाद आपको बता दें कि भाजपुर के कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य लालकुआ पहुंचे। इस दौरान लालकुआ से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आर्य ने यशपाल आर्य से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा यशपाल आर्य ने, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल बच चुका है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खास बातचीत में खास मेहमान है यशपाल आर्य जी। आर्य जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यशपाल जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है 60 के पार कह रही है, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी को? कहने में क्या जाता है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सगों में छिड़ती है, इस तरह की बातें करती है, इस तरह के नारे खोखले नारे जनता के बीच तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। प्रदेश की जनता में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत नाराज़गी है। एक प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में पहली बार बनी और उसके बावजूद जन आकांक्षाओं की अनदेखी की, जन समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया, रोजगार के अवसर खत्म हो गए, किसानों के साथ जाति हुई है, किसानों को आय को दोगुना करने के लिए इन्होंने वायदे किए 2022 के चुनाव में, आज महंगाई चरम सीमा पर है और नौजवान पलायन करने को मजबूर है। मातृशक्ति और जो हमारे दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, कमजोर तबका है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो स्पष्ट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 के पार करें, दो दहाई भी अगर पार कर ले तो बड़ी बात होगी। इससे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी कदम रखने जा रही, किस तरीके देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई अस्तित्व में नहीं है अस्तित्व में ही नहीं है। तो हमारे साथ यशपाल आर्य जी थे, जिन्होंने साफ शब्दों में बताया कि कोई भी पार्टी यहाँ पर कदम नहीं रखेगी, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया से धर्मेंद्र आर्या, लालकुआ। वहीं कालाढूंगी 60 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी महेश शर्मा ने कालाढूंगी तहसील परिसर में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी रेखा कोहली के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता से प्रत्याशी महेश शर्मा को इस बार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार पहले से ही तेज कर दिया था। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया है और मैं कल भी करना चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाया, और आज मैंने सिर्फ अपने अनुमोदक और प्रस्ताव से कहा था यहाँ आने के लिए। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग नामांकन में अपना समर्थन देने आ गए। कार्यकर्ताओं में एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, कार्यकर्ता या क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहती है, तो लोग उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं, चारों ओर से समर्थन मिल रहा है और पूरे क्षेत्र में माहौल बना हुआ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बिल्कुल निश्चित तय है। नैनीताल ज़िले में हम कालाढूंगी पूरी 6 की 6 सीटें कांग्रेस का परचम लहराएगा। नैनीताल विधानसभा चुनाव उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी सुभाष कुमार ने अपना नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन को सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल और यूकेडी नेता अधिवक्ता प्रकाश पांडे भी मौके पर मौजूद रहे। वही खबर काशीपुर से, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी दीपक बाली ने काशीपुर स्थित अपने पार्टी कार्यालय पर अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए काशीपुर क्षेत्र की जनता को 12 गारंटी से नवाजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने भले ही बार बार वादा करने के बाद भी अपनी सरकार बनने के बावजूद काशीपुर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ना किया हो, लेकिन काशीपुर की जनता ने अगर उन्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया तो 30 दिन के अंदर काशीपुर को जिला घोषित कराने के साथ क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से जनता को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। मैंने ये काशीपुर के लिए 12 गारंटी रखी है और मैं चाहूँगा कि जो जो प्रत्याशी मैदान में है वो इस तरीके की गारंटी, वो जितनी भी देना चाहते हैं वो सब गारंटी इस तरीके से गारंटी कार्ड में दें और सम्मानित जनता उन सभी के रिपोर्ट का गारंटी कार्ड को संभाल कर रखे और अगले चुनाव में उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही वो मतदान करें, मतलब काम की राजनीति पर मतदान करें। काशीपुर की जनता काशीपुर की समस्याओं को लेकर जूझ रही है, परेशान है, तो राजनीति में आप बड़े बड़े नाम पर, बड़े बड़े पार्टियों के नाम पर, उनके बड़े बड़े प्रदेश स्तर के घोषणा पत्र पर
आप चुनाव के बीच में जाते हैं, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के लिए आप क्या कह रहे हैं जनता से, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जो काशीपुर की समस्याएं तो बहुत है, लेकिन उन समस्याओं में से या उन आवश्यकताओं में से 12 बड़ी जो समस्याएं और आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर ये 12 गारंटी बनाई है, और यही मेरा आशीर्वाद मिलने के बाद 5 साल का रिपोर्ट कार्ड होगा। वहीं नैनीताल के भीमताल विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राम सिंह कैड़ा ने अपना नामांकन पत्र धारी तहसील में सहायक निर्वाचन अधिकारी योगेश सिंह को सौंपा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में नामांकन कर रही है। तस्वीरें नैनीताल से हैं, जहां पर राम सिंह कैड़ा ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। नैनीताल के भीमताल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी दान सिंह भंडारी ने अपना नामांकन पत्र धारी तहसील में सहायक निर्वाचन अधिकारी योगेश सिंह को सौंपा। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद दिखे। वे नैनीताल 58 विधानसभा चुनाव के लिए जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, वहीं आम आदमी पार्टी के हेम आर्य ने आम पार्टी से नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय में दाखिल किया है। उन्होंने अपना नामांकन पत्र सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन को सौंपा। इस दौरान उनके साथ आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष बीजेपी गजराज ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। कालाढूंगी 60 विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के अंतिम दिन पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने कालाढूंगी तहसील परिसर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी रेखा कोहली के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया है। मैं लगातार 40 वर्षों से जनता के बीच में हूँ, समाज का काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। 2007 में, 12 में, 17 में तीनों बार मैंने अपनी पार्टी से निवेदन किया था कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए, और हर बार मुझसे यही कहा गया कि उनका आखिरी चुनाव है। 12 में भी यही कहा गया, 17 में भी यही कहा गया। आज जो मेरा नामांकन है केवल दल के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, आज ये लड़ाई मैं उन युवाओं की लड़ रहा हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आखिर उनके लिए रास्ता कौन खोलेगा, उनको रास्ता कौन देगा, वो किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, ये केवल ये जो आज का नामांकन है केवल इस बात के लिए है। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैं युवा पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोलना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जीवन में भी कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए कि जो सीनियर लोग हैं वो भी कहें हाथ बढ़ाकर कि अब मेरा समय हो गया, अब युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, उनको आगे चुनाव लड़ना चाहिए। इन सब इस मुद्दे को लेकर मैं आगे आज बढ़ रहा हूँ। उत्तरकाशी के हर्षल में गंगोत्री हाईवे पर हादसा हो गया। बर्फ के कारण फिसलकर एक कार खाई में गिर गई। कार दुर्घटना में मां बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार एक अन्य महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गदरपुर के तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने समाजवादी पार्टी से शाहनूर उर्फ टोनी पठान ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान शाहनूर ने कहा कि क्षेत्र की जनता नए कैंडिडेट को विधायक बनाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी दोनों दो दो बार विधायक बन चुके हैं। इस बार जनता भारी मतों से गदरपुर में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करने जा रही है। मैं सन 2012 से लगातार विधानसभा चुनाव लड़ता चला आ रहा हूँ और क्षेत्र की जनता का यही रुझान है कि हम नया विधायक देखें जिससे क्षेत्र का जो रुका हुआ विकास है और जो विकास की तरफ को किसी ने देखा ही नहीं है वो होए। हाँ, इसकी सच्चाई यह है कि सबसे पहले तो यह आरोप बिल्कुल गलत है। 2018 के चुनाव में चेयरमैनी का जो चुनाव हुआ था नगर पंचायत के लिए खेड़ेगा, उसमें 100 वोटों से मेरी हार हुई थी और मेरी रिकाउंटिंग नहीं हो रही थी। उसका जो सिरे गया था वो श्री अरविंद पांडे भी गया था, उन्होंने मेरी बेमानी कराई और उन्होंने दूसरे आदमी को शपथ दिलाई मुझे हरा के। अगर मैं उनका आदमी होता तो फिर उन्होंने मुझे क्यों हराया और हामिद अली क्यों जिताया।
वहीं चमोली में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सहित आप कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा सह प्रभारी को सौंप दिया है। दरअसल बद्रीनाथ विधानसभा पर नामांकन के लिए पहुंचे प्रत्याशी के नामांकन से पहले पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा सह प्रभारी को सौंप दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से बद्रीनाथ विधानसभा से भगवती प्रसाद मेंदोली को प्रत्याशी बनाया गया, जो अपना नामांकन करने गोपेश्वर पहुंचे थे। जैसे ही आपके प्रत्याशी नामांकन करवाने के लिए नामांकन कक्ष जाने लगे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावती सुर में चमोली के सह प्रभारी राजीव चौधरी को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। आज हमारा नॉमिनेशन का कार्यक्रम था, तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशी आज हमारे नामांकन करने के लिए गोपेश्वर आए थे, और जिस प्रकार बद्रीनाथ विधानसभा में भारी प्रत्याशी हमारे ऊपर स्टेट टीम द्वारा थोपा गया है, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी बद्रीनाथ के पूरे संगठन माननीय जिला अध्यक्ष अनूप चौहान सहित सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया। आज चमोली जिले के तीन हमारे जो प्रत्याशी हैं तीनों यहाँ नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं, और तीनों का नामांकन आज पूरा हो जाएगा और पार्टी पूरे जोरों शोरों से चमोली जिले में तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधम सिंह नगर के 65 विधानसभा क्षेत्र दिनेशपुर में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन कांबल सिंह बिर्क और जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास ने फीता काटकर कांग्रेस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और उनके बेटे अतुल पांडे के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी। वहीं दिनेशपुर के पूर्व चेयरमैन कांबल सिंह बिर्क ने भी कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर नगर पंचायत चुनाव में पर्चा खारिज कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने हमारा नामांकन रद्द करवाया और उनका लड़का 12 बजे रात तक वहाँ तहसील में बैठ के कूद कूद के वो टेबल में हाथ मार रहा था, तो मैं क्यों ना मानूं, मेरा इतना हिम्मत था, मेरा पर्चा खर्च ना कराते तो मैदान में आते, वो तो कैबिनेट मंत्री थे ना, इतना उनके पास तो उनका तो इतनी पावर थी, मैं तो एक चेयरमैन ही लड़ा था, मेरे सामने लड़ते मैदान में पता चलता, क्या एक मेरे पीछे छुरा घोंप दिया, मजा आता तो सामने लड़ाई होता, मर देते थे या सामने लड़ते, कौन जीतता कौन हारता, क्या नामांकन रद्द कराने का क्या फायदा आया। अरे कुछ भी नहीं है भाई, अरविंद पांडे वो एक, मैंने कहा था हमारे दीपावली वाले दिन, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर अपने आप को जन सेवक नेता समझते हो तो मेरे जिला पंचायत सीट के सामने अतुल पांडे को लड़ा के दिखा दो, अगर मैं चुनाव हारता हूँ गुलामी करूँगा, और वो दम नहीं हुआ तो विधानसभा क्या लड़ेगा, वो कई हज़ार वोटों से हारेगा, कई हज़ार वोटों से, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की गला घोटा है। इस दिनेशपुर में कांवल सिंह पूरे उत्तराखंड यूपी में नाम है चेयरमैन पूर्व, उसकी उन्होंने प्रचार खारिज कराया। अतुल पांडे घंटा सा है, मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, कूद कूद के टेबल पे थपथपा रहा था, पूरा वीडियो है, ये तो उनका काम है, विकास कार्य को उन्होंने अनदेखी किया है, केवल किसका पर्चा खारिज कराना, जीते हुए को हराना, यही काम किया 10 साल में, और भाई भाई को लड़ाना, तो ये जनता समझ चुकी है, अब जनता धोखा नहीं खाएगा, बुरा हाल हारेगा, कांग्रेस की सरकार आ रही है, परमानंद राजन कई हजारों वोटों में चुनाव जीतेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।